अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे। और चलिए बनाते हैं आज चने आलू चटपटे। तो यहाँ पर मैंने चने बॉईल कर ली हूँ और इसको तेल नहीं डाली हूँ मैंने अभी भगोने में, डायरेक्ट मैंने चने डाल के, बॉईल चने हैं, और उसमें फिर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ये ऐड करके मैंने, और धनिया पाउडर, तो ये ऐड करके अभी इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो रॉ स्मेल है वो मसालों की वो भी निकल जाएगी। और ये बॉइल्ड पोटैटोज़ है, आलू बॉईल किए हुए, तो ये भी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फटाफट से बनती है रेसिपी चटपटे चने आलू, तो इफ्तारी के लिए बहुत ही अच्छे है। चने तो हर कोई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते ही है चने, हेल्दी भी है और ये कम तेल में बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है इफ्तार में। तो ये अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, और जो चनों का जो पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड करके वो भी इसी में सुखा ली थी मैंने। और अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, और ये तेल जो है ये साइड में मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ तो उसी का तेल मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो इसको तेल को। और इसमें अदरक लहसुन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राई स्पाइसेस जो नॉर्मल होते हैं ना वही है। अदरक लहसुन नहीं यूज़ की हूँ मैंने इसमें, सिर्फ मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और फिर वो अच्छे से भून के जब पूरा चनों का पानी जब पूरा ड्राई हो जाए ना, तो फिर उसमें मैंने रफली चॉप करके प्याज ऐड की हूँ, और प्याज थोड़ी सी ऐसी कच्ची कच्ची रखनी है, क्रंची अच्छी लगती है उसमें। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आमचूर पाउडर, आप चाहो तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं इसमें, नींबू का जूस, लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आमचूर पाउडर डाल के ये हमारे चने चटपटे चने आलू रेडी है। आप लोग भी ट्राई करना, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना, एकदम झटपट है, 5 मिनट के अंदर बन के रेडी होती है। मिलते एक नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।